सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सेकंड सीरीज में हमने पढ़ा था एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे डिवाइड करे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। थर्ड सीरीज में हमने पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में टोटल डिटेल, और साथ में ये बताया था किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का एटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत इजी और बना देगा पीरियोडिक टेबल के लिए, जिसमें है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें आज हम सिर्फ पढ़ेंगे रेडियस। ठीक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है आपका रेडियस। रेडियस का मतलब हो गया आपका, अब ऐसा नहीं है कि रेडियस केवल एक टाइप की होती है। रेडियस जिसे आप जानते हैं सिंपली न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल्स तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, आपको पता है इसके बाहर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो भी सेल गई यहाँ से यहाँ तक की सेल्स गई, यहाँ से यहाँ तक की सेल्स गई। ठीक है, ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर टू आउटरमोस्ट सेल एट विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, रेडियस के नाम से नॉमिनेट करते हैं। ठीक, बट जो हमारी पीरियोडिक टेबल में जो रेडियस होती है, कई टाइप की रेडियस होती है, जिसमें हम फर्स्ट रेडियस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारी है, फर्स्ट रेडियस है आपकी एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट आपकी रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस। आपकी एटॉमिक रेडियस से मतलब क्या है, हमारी जो रेडियस होंगी तीन टाइप की रेडियस है, तो हमारी जो मैं आपको फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ आपको एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम या टू सेम एटम जो भी है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम एंड इट्स हाफ वैल्यू। कोई भी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, जैसे आपका ये क्या है, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा उससे कोई टच करता हुआ एटम, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम सपोज ए पॉइंट मान लेते हैं, उसको हम क्या पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड इट्स हाफ वैल्यू, इट्स हाफ वैल्यू, इसके हाफ वैल्यू, इसका हाफ करेंगे तो आपको क्या फाइंड होगा, आपको फाइंड होगा ये और ये सेल। तो बात वही है बट एटम्स के टर्म्स में, लाइक दैट जैसे ये H2 है, सपोज ये H2 है, तो दिस इज एन H एंड दिस इज एन H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की रेडियस की बात करेगी तो अगर ये मिड पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, तो जेड टू ये जेड हो गया, जेड पॉइंट टू आउटर मोस्ट सेल, जहां पर भी सेल होगा इस पॉइंट को हमने एन मान लिया सपोज, तो आउटर मोस्ट सेल इस एन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो इसके हाफ वैल्यू जो आएगी उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम या सेम एटम एंड इट्स हाफ वैल्यू, इट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। रेडियस को हम कौन सी रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक, अब एटॉमिक रेडियस, पहले तो मैं आपको सिर्फ रेडियस बता रही हूँ, फिर रेडियस का लॉजिक बताऊंगी किस साइड को रेडियस इंक्रीज होगी, किस साइड को डिक्रीज होगी। सेकंड जो हमारी, तो एटलीस्ट मतलब समराइज ये होता है कि रेडियस का मीन्स हो गया न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल्स, न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल। सेकेंड रेडियस जो हमारी होती है, इसका मीनिंग भी वही होता है लेकिन वो कई कैटेगरीज में डिवाइड करी है, वही बात मैं बोल रही हूँ। सेकेंड रेडियस जो हमारे पास है वो है आपकी आयनिक रेडियस। सेकेंड रेडियस हमारी कौन सी है, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब हो गया आयनिक रेडियस, ओके। आयनिक रेडियस का मतलब आयंस, आपको पता है आयंस मीन्स कैटायन और एनायन। आयंस का मतलब हमारे पास दो चीजें जाती है, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बन जाती है उसे हम कैटायन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक, तो हम सपोज लेके चलते हैं, जब आयनिक रेडियस होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पर कि वो कौन सी चार्ज स्पीसीज है। यहाँ पर कई क्वेश्चंस पटक होते हैं, लाइक दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करती हूँ रेडियो आयनिक रेडियस को। मैं लेके चल रही हूँ सोडियम को, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको पता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। तो आपकी ये और होगी 1s, ये होगी 2s, ये 2p और ये होगी 3s। 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल तक की डिस्टेंस, ओके। तो आपने देखा न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल तक की डिस्टेंस हमारी कितनी आई, ए बी, कितनी होगी, ए बी। ठीक, अब बात करेंगे, ये तो सोडियम की थी, मुझे सोडियम थोड़ी बतानी है, मुझे बतानी है आयनिक रेडियस। आयनिक मतलब आयंस की, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आयन आफ्टर द स्टेबलाइजेशन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट फॉर्म, इट कन्वर्टेड इनटू Na+ फॉर्म। तो इस समय इस रेडियस को हम कौन सी रेडियस कहेंगे, आयनिक रेडियस। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, किसने, सोडियम ने, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अगर यहाँ पर हम ऐसे करके दिखाएं तो हमने, इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, लीजिए ये सोडियम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Na+।
इसमें कन्वर्ट हो गया Na+, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से उसकी रेडियस क्या हो गई, ये पहला 1s, ये क्या हो गया 2s, ये क्या हो गया आपका 2p, ये दिस इज 1s, ये आपका न्यूक्लियस आपका है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, 2p हो गया, 3 से सेल तो लेस हो गई, तो दैट मींस अगर इस पॉइंट को मैं a मान लेती हूं, इस पॉइंट को क्या मानती हूं, b मानती हूं, तो ओरली वर्बली में ऐसे दिख रहा है कि इसमें तीन ऑर्बिट्स है और इस वाले में इसमें कितने हैं, चार है, 1, 2, 3 and 4, तो 1, 2, 3, 4, तो न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल की डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, मोर दिख रही है, इसमें न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम दिख रही है, तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है, द रेडियस ऑफ कटायन इज लेस देन इट्स पैरेंट एटम, रेडियस ऑफ कटायन इज लेस देन इट्स पैरेंट एटम, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इसके पैरेंट एटम से किसी भी कटायन की रेडियस लेस होती है, ठीक है, तो आंसर ये बनता है हमारे पास, तो इससे आंसर ये बनता है कि After losing the one electron, one cell should be removed, one cell should be destroyed. जब एक electron lose हो जाता है, तो एक cell क्या होगी? Destroy होगी. जब एक cell destroy होगी, तो हमारी radius की value क्या होगी? Obviously decrease होगी. ठीक? तो that means ionic radius का मतलब आप क्या समझे? Ionic radius का मतलब आपको ये समझ में आया कि ionic radius depend करती है ions पर. Now this is the simple radius. अगर ये बात करोगे, this is the simple radius. हम इसको simple radius कर देंगे. But ionic का मतलब it should be depend upon the ion. अब ये था किस पर डिपेंड कर रहा था, पॉजिटिव आयन पर, कैटायन पर, सपोज यही एग्जांपल हम लेके चलते हैं एनायनिक रेडियस के लिए, ठीक है, आयनिक रेडियस दो टाइप से होती है बोला मैंने, तो सेकंड हम अगर यही एग्जांपल लेके चलते हैं किसी भी एनायन के लिए, एनायन मतलब हम ले लेते तो कोई भी एक ऐसा एनायन जो एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, तो सपोज मैं ले रही क्लोरीन, क्लोरीन एटम नंबर 17 है, यू नो दैट इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लास्ट का, ओनली लास्ट साइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अगर लिखते हो तो क्या होता है, पूरा लिख लेते हैं, अगर लिखते हो तो 17 का मतलब क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बनता है 3s2 3p6, ठीक है, 3p ये हो गया 17, ये होगा 17 और ये बनता है 3p5 3p6 नहीं 3p5, क्योंकि हमें बताना है क्लोरीन का, मुझे क्लोरीन का बना के आपको शो करना है, तो ये हो गया 3p, ये हो गया 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17, ठीक है, 2p6, सो दैट मींस दिस इज 1, ये 2s, ये 2p, ये 3s और ये हो गया 3p, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन शो कर रही है, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गई आउटरमोस्ट सेल वेयर द 5 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अब इन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए केमिस्ट्री में एक चीज याद रखनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट दो ही कंडीशन में स्टेबल होता है, या वो हाफ फिल्ड हो या वो फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड का मतलब हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड का मतलब हाफ फिल्ड मतलब जैसे आपको पता है कि एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो वो स्टेबल होगा एक में ही या कितने में होगा 2 में, ऐसे आप जानते हो कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ का मतलब 3 होता है, फुल का मतलब 6 होता है, इसके बीच में 4, 5 अगर कुछ आता है तो वो पार्शियली फिल कराता है, वो हाफ फिल की कैटेगरी में नहीं आता है, अगर ऐसी डी सबसेल की बात करेंगे तो डी सबसेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल होगा या 10 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल होगा, तो 5 या 10 पर, अगर इसके बीच में 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, अगर ऐसी चीज कुछ भी आती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, पार्शियली फिल की कैटेगरी में आ जाता है, तो अब ये था क्लोरीन, अगर ये क्लोरीन सपोज ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो किसमें चेंज हो जाता है, सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, सीएल माइनस में कन्वर्ट होते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है 3p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना जाता है 3p6, सो दैट मींस 1s तो यही है, 2s भी यही है, 2p भी यही है, 3s भी यही है, बट यहाँ 3p में 1, 2, 3, 4, 5 and 6 न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल की डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल्स की डिस्टेंस में क्या होगी, स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, ये क्या है आपका फुली फिल्ड, मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी एलिमेंट दो ही कंडीशन में स्टेबल माना जाता है, या वो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, आप ये क्वेश्चन उठता है कि किसकी रेडियस ज्यादा होगी किसकी रेडियस कम होगी, ठीक है, सीएल माइनस की रेडियस सीएल से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि Cl- तो अपनी स्टेबिलिटी में चल गया, यानी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है,
ठीक है, न्यूक्लियस पर हमारा कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पांच इलेक्ट्रॉन है तो ये पांच इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फॉर्म है, तो पांच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इन पांच इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ प्रॉपर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, सब पर माइनस चार्ज होता है। तो फाइव माइनस चार्ज अगर न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, और साइज छोटा होते ही इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। अब बात आ रही है इसमें क्यों नहीं कम हो रही है, इसकी ज्यादा क्यों मानी जा रही है, इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जैसे ही सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आ गया, इट शुड बी स्टेबल, ये स्टेबल फॉर्म में एडजस्ट कर लिया। अगर वो स्टेबल फॉर्म में एडजस्ट कर दिया तो इस पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉनों की तरफ को अट्रैक्शन नहीं होगा, होगा तो सही उतना प्रॉपरली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा नहीं कह सकते क्योंकि न्यूक्लियस तो अपना काम करता ही रहेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के कारण, फुली फिल्ड होने के कारण ये क्या है, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फुली फिल्ड है तो ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं पाएंगे, तो जैसे ही एज इट इज रहेगी। तो इससे इसका इससे आप क्या समझे कि जो रेडियस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, चार्जों पर डिपेंड करती है कि या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब यह है कि आयनिक रेडियस का मतलब क्या हो गया, आयनिक रेडियस का मतलब हो गया द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एट विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, आउटरमोस्ट सेल जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कभी स्टेबल भी हो सकते हैं, कभी ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कभी अनस्टेबल फॉर्म में डिपेंड एडजस्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, ठीक। तीसरी हमारी जो रेडियस हमारे पास रखी गई है वो तीसरी है वैन डेर वाल्स रेडियस। थर्ड रेडियस जो है आपकी वो है हमारी वैन डेर जैसे आप लिखते हो ना H2+O2, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन के नजदीक कोई भी दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, किसी भी, ठीक है। अब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, तो ये एटॉमिक रेडियस हो गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ये कौन सी रेडियस होगी, एटॉमिक डिस्टेंस। और मैं आपको पढ़ा रही हूं वैन डेर वाल्स रेडियस। वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द डिफरेंट एटम, ये ऑक्सीजन एटम था, ठीक है। तो इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैं इसको ऐसे डॉट डॉट से शो कर दे रही हूं, ठीक है, डिस्टेंस एंड इट्स हाफ वैल्यू, इसकी हाफ वैल्यू, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम वैन डेर वाल्स रेडियस को हम क्या लिखेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि ए बी अपॉन टू, दोनों कोई भी दो डिफरेंट एटम वो नियर बाय भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, जैसे तो मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया, सपोज वो नियर बाय हो एक दूसरे के नजदीक हो, तो जैसे मे बी सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है ये है एच टू, दूसरा ऑक्सीजन उसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये हो गया ओ टू, ठीक है। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट, सेम में नहीं, सेम ही नहीं, अगर वो सेम में होती है तो मैंने आपको बोला एटॉमिक रेडियस, अब इसकी बात आ रही है तो ये दो डिफरेंट एटम एंड इट्स हाफ वैल्यू, इट्स के हाफ वैल्यू, अगर ये जेड मानो और ये एम मानो तो जेड और एम का हाफ जो आएगा, ठीक है, तो इस रेडियस को हम कौन सी रेडियस कहते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस। तो बात यह है कि एटलीस्ट इसका भी कंक्लूजन यही निकला कि दो एटम के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस और उसकी हाफ वैल्यू जो बनती है उस रेडियस को हम कौन सी रेडियस के नाम से नॉमिनेट करते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। अब हम ये समझ गए कि हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें रेडियस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो आप ये बात समझ गए कि हमारे पास तीन टाइप की रेडियस चलती है, हमारी एटॉमिक रेडियस, सेकंड इज द आयनिक रेडियस, थर्ड इज द वैन डेर वाल्स रेडियस, ठीक। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि इनमें किसकी रेडियस ज्यादा है, किसकी रेडियस कम है, ठीक है, तो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इस रेडियस का क्या लॉजिक है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में क्या लॉजिक है, क्वेश्चन आता है हाउ टू वेरी या हाउ टू अरेंज द पीरियोडिसिटी ऑफ द रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये रेडियस किस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है या किस तरह से पीरियोडिसिटी शो करता है, ठीक है। अब रेडियस कैसे शो करती है पीरियोडिसिटी या कैसे किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अपने आप को अरेंज करती है, इसको समझाने के लिए आपको ऐसे समझाते हैं। देखिए आपको पता है पीरियड टेबल ये है, हाइड्रोजन ये हो गया हीलियम, छोड़िए इसको, हाइड्रोजन हीलियम में कोई दो ही एलिमेंट है, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बी सी एन ओ एफ और यहां पर आते हैं, ठीक है।
अगर हम पीरियड टेबल में देखें, ठीक है, हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की रेडियस पीरियड्स में अकॉर्डिंग टू पीरियड्स एंड ग्रुप वेरी करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रेडियस, हम कहते हैं कि रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, लेस होती है। रेडियस क्या होती है आपकी, लेस होती है, और अप टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेस होती है यानी कि क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब ये याद करने वाली बात नहीं है, बातों को समझो। बात ये है कि हम लेफ्ट टू राइट चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम इन एलिमेंट को ले लेती हूँ, मैं केवल एक सीरीज के चार पांच एलिमेंट को लेकर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये हो गया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। बोरोन का इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। ये हो गया, इसका होगा 2p2, इसका होगा आपका 2p3, ये होगा आपका 2p4, और ये होगा आपका 2p5। ज्यादा नहीं लेते हैं हम, केवल चार पांच एलिमेंट को लेकर, चार पांच पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट चार पांच एलिमेंट को लेकर बात करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि रेडियस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट शुड बी डिक्रीज, रेडियस क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। व्हाई, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका यह है, देखिए ये 1s 2s 2p, ये हो गया 1s सेल, ये हो गया 2s सेल, ये हो गया 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपका न्यूक्लियस है जिस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप रेडियस कहते हो, ठीक हो गया। ये हो गया 2p2, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 2, 1, 2, ठीक है। तो आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अभी भी वही बात है, वही बात फॉलो करिए, 2p2। सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये हो गया आपका 2p3, 1, 2, 3, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया 2p4, 1, 2, 3, 4, चार इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस की तरफ को अटैक, और ये हो गया लास्ट 5, 2p5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आप इनमें कॉमन चीजें देख रहे हो कि द सेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, हम देख रहे हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द सेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट। सेल क्या है, 2p है, इसमें भी सेल क्या है, 2p है, सेल क्या है, 2p है, सेल है आपकी 2p, सेल है आपकी 2p, द सेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, सेल्स क्या है, 2p है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी रेगुलरली इंक्रीजिंग इन द 2p सेल्स। कभी एक इलेक्ट्रॉन आया, एक के बाद दो आए, दो से तीन आए, चार आए और पांच आए, उसका एलिमेंट लिस्ट क्या हो जाता है, 6 आके स्टेबल हो जाता है। तो दैट मीन दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये सारे के सारे अनस्टेबल फॉर्म है। दीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, जब एक इलेक्ट्रॉन, सपोज इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है तो बहुत स्लोली अट्रैक्ट होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि दो नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को और तेजी से अट्रैक्ट होगा, साइज और श्रिंक हो जाएगा यानी कि साइज और रिड्यूस हो जाएगा। जब तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन तीन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस की तरफ को और ज्यादा अट्रैक्शन होगा और साइज और श्रिंक हो जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। चार इलेक्ट्रॉन का जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, न्यूक्लियस तो वही है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आया है, सेल्स में भी कोई चेंज नहीं आया है, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है और साइज क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज द मेन कॉज टू डिक्रीज द रेडियस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो हम कॉज ये कह सकते हैं कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियड्स, पीरियड्स लेफ्ट टू राइट क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, सेल्स कॉन्स्टेंट रहेंगी बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इंक्रीजेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टूवर्ड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड साइज शुड बी डिक्रीजेड, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज रहेगा। अब बात करी जा रही है कि रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, रटने वाली कोई बात नहीं है। कोई चार एलिमेंट ले लीजिए, इन चार एलिमेंट को लेके बात करेंगे कि रेडियस अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हम उन एलिमेंट को लेके बात करते हैं, हम ले रहे हैं कोई भी चार एलिमेंट, जैसे हमने ले लिया, ये ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2s1, ओके लिथियम। फिर इसके सोडियम लिया, सोडियम हो गया आपका 11, दैट मीन्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे इसके नीचे एलिमेंट लेते हैं पोटेशियम, दिस इज 19, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s1। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको मैं हटा दे रही हूँ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ये आपकी होगी, ये न्यूक्लियस है, ये 1s है, ये 2s है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ये 1s 2s 2p 3s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ठीक। ये न्यूक्लियस है, ये आपकी 1s 2s 2p 3s 3p 4s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, when we moving on up to down in a periodic table, then the number of cells become increasing, but electron remain constant. ऊपर से नीचे जाने पर number of cells बढ़ेंगे, जबकि left जाने पर number of cells क्या थे, constant थी, number of cells बढ़ेंगे। यहाँ पर कितनी थी, दो cells, यहाँ पर 1 2 3 4 बढ़ गई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नीचे जाने पर cells बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि पहले एक ही दो ही cells में काम चल जा रहा था, चार सेल्स बन रहे, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका साइज ये था, ऊपर नीचे की तरफ को गया तो ये साइज क्या होगा, और ज्यादा बढ़ गया, और ये साइज और बढ़ गया। साइज बढ़ने से, साइज बढ़ने से ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन नहीं होगा, इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन अभी भी होगा, बट ये सेल्स इसके लिए बैरियर का काम कर रही है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं होने दे रही है। उसके लिए क्या कर रही है, ये एक सेल्स हो गई, ये एक सेल्स हो गई, यहाँ पर तो इस सेल्स का डायरेक्टली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो प्रॉपर अट्रैक्शन होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे को बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ती जाएंगी सेल, और नीचे को जाओगे तो और सेल्स बढ़ती जाएंगी, तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो होगा लेकिन प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं होगा, और साइज डिक्रीज नहीं होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स, जब एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन तो होगा नहीं, उसमें क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन हो रहा था। तो इससे क्या समझ में आया कि जब वो ऊपर से नीचे जाते हैं, द नंबर ऑफ सेल्स बिकम इंक्रीजेज बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, देखो, वन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को तो अट्रैक्ट होता ही है, बट साइज इज नॉट प्रॉपरली रिड्यूस, साइज प्रॉपरली रिड्यूस नहीं होता, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सो दैट इज द मेन कॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, एनी रेडियस, बात एक ही के नीचे है, आयनिक रेडियस, कोबलेन रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस शुड बी डिक्रीजेड, बट ऑन मूविंग अप टू डाउन द नंबर ऑफ सेल्स बिकम इंक्रीजेड बट इलेक्ट्रॉन रिमेन कॉन्स्टेंट, सो द रेडियस शुड बी इंक्रीजेड। ओके, तो आज हमने पीरियोडिक टेबल की पहली प्रॉपर्टीज यानी कि रेडियस को एक्सप्लेन करा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।